बिहार में मौसम का प्रतिकूल प्रभाव जारी है। हालांकि पिछले दो दिनों से मौसम में उतार और चढ़ाव देखा जा रहा है। बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन बारिश का अभी भी लोगों को इंतजार है। भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल है। इस बीच बिहार में हाल के दिनों में बिजली के आंख मिचौली और लो वोल्टेज की समस्या से भी लोगों में परेशानी देखी जा रही है। बिहार के खास करके उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में बादल मंडरा रहे हैं। कहीं हल्की बूंदाबांदी, कहीं तेज हवा के बीच बादलों का इधर से उधर टल जाने से भी किसानों में लगातार निराशा हाथ लग रही है। सभी किसानों में, खास करके निम्न स्तरीय किसानों में मौसम में अनुकूलता का इंतजार है। कहा जाता है कि समसामयिक रूप से यदि इस समय अच्छी वर्षा होती है तो फसलों के लिहाज से यह मौसम काफी अच्छा रहेगा और काफी अच्छा माना जाएगा। वहीं गर्मी से बेहाल लोगों को भी इससे राहत मिल सकती है। बावजूद मौसम का जो उतार चढ़ाव है, इसमें बदलाव के लिए लोगों को लगातार इंतजार है और लोगों को इंद्र के कृपा की भी दृष्टि होनी चाहिए और इंद्र के कृपा का भी इंतजार है, ताकि बिहार में बादलों से वर्षा हो और धरती की जो दरार पड़ी हुई है, धरती में धरती की जो गर्माहट है उसमें भी राहत की बात हो सके। इस बीच खबर मिल रही है कि बिहार का पड़ोसी नेपाल के विभिन्न पहाड़ी इलाकों में लगातार तेज बारिश का सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। लिहाजा नेपाल से सटे हुए बिहार के कई नदियों में जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। खास करके चंपारण के कई नदियों में जलस्तर बढ़ा है। वहीं मुजफ्फरपुर मोतिहारी क्षेत्र से जुड़े नदियों में भी काफी उतार चढ़ाव के माहौल के बीच लगातार पानी में इजाफा देखी जा रही है। सीतामढ़ी जिले से सटे हुए इलाकों में भी जो नदी है, इसमें भी काफी जलस्तर बढ़ा है। दरभंगा जिला से छूटी हुई नदियों में भी जलस्तर बढ़ा है। इसी तरीके से मधुबनी जिला क्षेत्र से होकर बहने वाली नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि देखी जा रही है। यदि मौसम के उतार चढ़ाव के बीच आसमान से अगर बादलों से पानी का टपकना जारी हो जाए, वर्षा का सिलसिला तेज हो जाए, तो निश्चित ही यह समय किसानों के लिए किसी अमृत से कम नहीं होगा।